नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ये पांच है देश के सबसे महंगे मकान। पहले के मालिक मुकेश अंबानी और जानिए बाकी चार किन के हैं। घर तो घर होता है, चाहे वो घर छोटा हो या बड़ा हो, और हर किसी का सपना होता है कि वो खुद का घर बनाए। बहुत से लोगों को उनकी पुश्तैनी जमीन जायदाद मिल जाती है, तो बहुत से ऐसे भी है जिन्हें शुरुआत से मेहनत करनी पड़ती है, पर अपने घर का सपना हर इंसान पूरा करना चाहता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम इसी तरह की न्यूज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। घर तो सबका अपने लिए खास होता है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही खास घर लेकर आए हैं जिन्हें आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। इन सभी बंगलों की कीमत कई करोड़ रुपए में है। इनमें कुछ बंगले ऐसे भी है जिनकी मिसाल विदेशों में भी दी जाती है। सोचिए जरा, जब ऐसा घर बनाने में इन लोगों को कितना पैसा कमाना और मेहनत करनी पड़ी होगी। जहां रहकर हम अपनी सारी थकान और परेशानी कम कर सकते हैं, इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि भारत में पांच ऐसे बंगले बनाए गए हैं। तो आइए जानते हैं इनके लग्जरी बंगलों में क्या क्या खास चीजें हैं। अंबानी हाउस पूरी दुनिया में सबसे महंगे बंगलों में शामिल है। उनके बंगले का नाम एंटीला है और इसकी कीमत लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। घर में हेलीपैड, जिम, सिनेमा घर और ऐसी बहुत सी अलग अलग सुविधाओं का पूरा इंतजाम किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 5 लोगों की सेवा के लिए 600 लोगों का काम करने के लिए रखा गया है। साउथ मुंबई में स्थित मुकेश अंबानी के बंगले को 27 मंजिला बनाया गया है, जिसमें से 6 मंजिलों में तो सिर्फ पार्किंग ही की जाती है। पैसा लगा तो लगा, पर अंबानी हाउस बना भी ऐसा है कि उसको देखने के लिए तरसते हैं। शाहरुख खान को लोग बॉलीवुड के किंग खान के नाम से भी जानते हैं, पर शाहरुख खान अपनी मेहनत से आज इस मकान पर पहुंचे हैं। शाहरुख खान सिर्फ 1500 रुपए लेकर मुंबई आए थे, पर आंखों में सपना बहुत बड़ा लेकर आए थे। शाहरुख आज 150 करोड़ के बंगले के मालिक है। शाहरुख का मन्नत किसी जन्नत से कम नहीं है। एक से बढ़कर एक रॉयल चीजें इसके इंटीरियर में लगाई गई है। उनका बंगला मन्नत द लैंड एंड लोगों के लिए टूरिस्ट प्लेस भी है, जहां लोग घूमने के लिए जाते हैं, मगर वो बाहर से ही देखा जा सकता है। शाहरुख के बंगले के अंदर एक ऑफिस प्लेस, बॉक्सिंग रिंग, मिनी थिएटर, स्टूडियो और टेबल टेनिस कोर्ट भी है। शाहरुख का बंगला देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। इस समय कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के चेयरमैन नवीन जिंदल, इनका बंगला दिल्ली के पास इलाके में है और ये बहुत ही शानदार है। उनका बंगले को दिल्ली का सबसे महंगा बंगला माना जाता है। लगभग 3 एकड़ में बना जिंदल साहब का बंगला भी लगभग 130 करोड़ का है। टाटा ग्रुप ऑफ के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का नाम तो आपने सुना होगा। उनका बंगला भी लगभग 140 करोड़ रुपए का है, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं। उनके बंगले की लोकेशन समुद्र के किनारे की है और ये लग्जरी सज्जा का बेहतरीन नमूना है। धीरे भाई के छोटे बेटे अनिल अंबानी का बंगला भी लगभग 100 करोड़ रुपए का है। मुंबई के पाली हिल में स्थित अनिल अंबानी का बंगला भी मुंबई के आलिशान बंगलों में गिना जाता है।